जैसे कि इंसान के जीवन में आते हैं उतार चढ़ाव, यानी कि अप्स एंड डाउन्स, ठीक उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी शेयर्स के जीवन चक्र में आता है अप्स एंड डाउन्स। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक शेयर की बात करेंगे जिसमें हो सकता है एक टर्न अराउंड, यानी कि एक ऐसा परिवर्तन जो स्टॉक को यहां से ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल टॉटोइस ट्रेडर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो है BKT, यानी कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इस कंपनी का शेयर बाजार में मार्केट कैप लगभग 38,000 करोड़ का है, और ये कंपनी ज्यादातर एग्रीकल्चर टायर्स और हैवी मशीन इक्विपमेंट टायर्स बनाती है, यानी कि वो टायर्स जो यूज होते हैं ट्रैक्टर्स में, हार्वेस्टर्स में, और इंडस्ट्रियल मशीन्स यानी कि एक्सकवेटर्स, लोडर्स, डंपर्स, ग्रेडर्स, इस तरीके के जो हैवी मशीन्स हैं उनके टायर्स ये कंपनी बनाने में महारत हासिल करती है। इस कंपनी के टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स न सिर्फ इंडिया में बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी इनके टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, और ये कंपनी 160 कंट्रीज यानी कि 5 कॉन्टिनेंट्स में अपने टायर्स बनाती और बेचती है। तो अभी तक जो आपने देखा वो था कंपनी का एक बेसिक एनालिसिस। अब हम आते हैं इस कंपनी के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टॉक का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट लगभग 8 से 10 महीने के इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन के लिए देखा जाता है। अगर आप इसका पास्ट का डेटा देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में बना हुआ था, फिर कुछ समय के बाद स्टॉक में आता है एक करेक्शन आने के बाद स्टॉक कुछ समय के बाद फिर से एक ब्रेकआउट देता है नवंबर और अक्टूबर के आसपास 2020 में, और यहां से स्टॉक में फिर से एक अपर साइड की रैली बनती है। अब करंट का अगर आप डेटा देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा स्टॉक जो है एक कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि ये एक अपने कंसोलिडेशन जोन में बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसके सपोर्ट्स एंड आने वाले रेजिस्टेंसेस या फिर टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम फिबोनाची टूल में क्लिक करेंगे एंड इसको नीचे से ऊपर के साइड पे इस तरीके से प्लॉट कर देंगे। जैसे ही हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारे हमको नंबर्स लिखे हुए मिलते हैं। तो जो 0.5 का लेवल है इस पे आप अपनी नज़र रखें। अब हम क्या करेंगे, जो इमीडिएट बॉटम है और जो इसका करंट जो 50% रिट्रेसमेंट जो कि 0.5 1700 के जो वैल्यू है उसको हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। इन्वेस्टिंग हो या फिर ट्रेडिंग, हमको एक स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम 1700 का स्टॉप लॉस रख लेंगे, और अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर के साइड पर रैली लेता है तो इसके जो फर्स्ट टारगेट्स होंगे वो होंगे 2210 के, यानी कि 2200 के अराउंड, और उसके बाद जो टारगेट आता है वो लगभग आता है 2654 के अराउंड। तो इसी तरीके से स्टॉक जो है एक रैली लेता है और उसके बाद कुछ समय कंसोलिडेट करता है, और हम उस कंसोलिडेशन जोन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं फिबोनाची टूल के जरिए, और उस पे हम एक मोमेंटम प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने कभी फिबोनाची टूल को इस तरीके से अपने इन्वेस्टिंग स्टॉक्स पर यूज किया है? अगर नहीं तो आज के आज ही हमारे इस चैनल टॉटोइस ट्रेडर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरीके के टूल्स और उसको यूज करने का सही तरीका अपने चैनल पर लेकर आते हैं। तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फेसबुक पेज एज वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।